नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज हिंदुस्तान के पड़ोस के दो देशों की एक खबर लेकर आपके बीच हूँ। आप भी थक गए होंगे, कब तक मैं अपने इलाके अपने प्रदेश की हिंसा की खबरें आपको सुनाते रहूँगा। इसलिए मैं आज थोड़ा सा चलता हूँ पड़ोस के पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से भी हिंदुस्तान की सरहद किसी एक जगह छूती है। हालत ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासक हैं, अमेरिका जिस तरह से वहाँ पर अफगानी लोगों को जिस तरह से छोड़कर भाग गया अचानक, क्योंकि वो वहाँ सरकार चला नहीं पाया, अफगान तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर सका और अचानक फ़ौज वहाँ की छोड़कर भाग गई, अफगान लोगों को उनके हाल पर छोड़कर भाग गई थी। बहुत ख़राब हालत है, तब से अब तक बहुत ख़राब हालत में जी रहे हैं। महिलाओं के हक छीन लिए गए, लड़कियों के हक छीन लिए गए, लड़कियां महिलाएं घर से निकल नहीं सकती जब तक घर का कोई मर्द साथ में ना हो। महिलाओं का पढ़ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो गया है, महिलाओं का बाहर काम करना बंद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं, उन्होंने शर्त रखी है तालिबान के सामने जो वहाँ हुकूमत चला रहे हैं कि अगर आप अपनी महिलाओं को काम नहीं करने देंगे तो हमारी एजेंसी के लोग घर घर जाकर टीकाकरण वगैरह नहीं कर सकते, घर घर जाकर अनाज नहीं बांट सकते, जिसकी कमी से लोगों के भूखे मरने की नौबत है वहाँ। लेकिन पोलियो के खिलाफ जो पोलियो ड्रॉप्स, छोटे बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं उनके मुँह में दो बूंद जिंदगी की, जिसको हिंदुस्तान में कहा जाता है, उसको तालिबान ने रोक दिया कि नहीं होगा, हमारे यहाँ पोलियो ड्रॉप्स नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जहाँ कभी भी पोलियो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया, दोनों जगह पोलियो के मामले आ रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से कह दिया है कि हम पोलियो ड्रॉप्स यहाँ पे नहीं देने देंगे, लोगों को, बच्चों को नहीं देने देंगे, बंद करवा दिया है कार्यक्रम। क्यों बंद करवाया है, मैं इसके ऊपर आता हूँ। और इस साल अफगानिस्तान में अभी तक 18 मामले पोलियो के आ गए हैं, 18 मामले। एक मामला भी आता है तो पूरे पूरे इलाके को, पूरे देश को फिर से टीकाकरण में डाला जाता है कि किसी से किसी तक भी नहीं फैले पोलियो, उसको पूरा पूरा ख़त्म करना पड़ता है। एक में भी रह जाता है तो वो फैल जाता है। अफ़गानिस्तान में अभी इस साल 18 मामले आ चुके हैं। टीका लगाने से मना कर दिया है, ड्रॉप्स पिलाते हैं, मना कर दिया है तालिबान ने वहाँ पर। अब क्यों मना किया है, इसकी एक बड़ी खतरनाक वजह है। लेकिन मैं पहले पाकिस्तान पर आता हूँ। पाकिस्तान का भी कमोबेश यही हाल कर दिया गया है। पाकिस्तान में टीकाकरण के लिए महिला स्वास्थ्यकर्मी, जैसे यहाँ मितानिन है और अलग अलग कहीं आशा कार्यकर्ता है किसी प्रदेश में, ये जाती हैं टीकाकरण के लिए किसी के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान में महिला स्वास्थ्यकर्ता महिलाएं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए जाती हैं घर घर। ऐसा ठंडा रखने वाला, टीकों को ठंडा रखने वाला आइस बॉक्स लेके उसमें लेके जाती हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं हथियारबंद, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, धार्मिक आतंकी, इस्लामिक मिलिटेंट वहाँ के जो हैं, वो ऐसी महिलाओं को गोलियाँ मार देते हैं। वो टीकाकरण के खिलाफ हैं, पोलियो का टीका वो भी नहीं लगने देते। पड़ोस के अफ़गानिस्तान के तालिबान के ही भाई बंद हैं, बड़ा ब्रदरहुड है इस मामले में कि टीकाकरण जो करे उसको मार डालो। वहाँ तो चूंकि तालिबान सरकार ने ही मना कर दिया है तो वहाँ कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान में सरकार कह रही है टीकाकरण करना है, लेकिन मुस्लिम आतंकी जो हैं वो गोलियाँ मार रहे हैं लोगों को। मेरे सामने पाकिस्तान के एक अखबार डॉन का एक समाचार है जो कहता है कि पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हुए इस साल 17 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार डाला गया है। 17 को, आप सोचिए, अपनी जान हथेली पे रख कर महिलाएं जा रही हैं घर घर। महिलाओं का जाना फिर भी आसान है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि छोटे बच्चे महिलाओं की गोद में रहते हैं,
पाकिस्तान के रीति रिवाज के मुताबिक बाहरी मर्द जो हैं वो महिलाओं के पास जाकर उनकी गोद के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, इससे भी कई लोगों को परहेज हो सकता है। तो महिलाएं जाती है वहां पर, 17 कार्यकर्ता मारी जा चुकी हैं इस साल 2024 में अभी तक, और अभी कई महीने बाकी हैं। इन दोनों जगहों में दिक्कत क्या है पोलियो ड्रॉप्स से, मैं आपको बतलाता हूं। इन दोनों जगह ये अफवाह फैली हुई है, और जो धर्मांध लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकी हैं, उन्होंने ये अफवाह फैलाई हुई है कि अमेरिका जैसे देश या ईसाई देश या पश्चिमी देश जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा मानते हैं ये लोग। चलाया जा रहा हो नहीं चलाया जा रहा हो अलग बात है। तो उनका ये मानना है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या अमेरिका, दूसरे पश्चिमी देश हो, वहाँ से जो टीके आते हैं पोलियो ड्रॉप्स, उसमें कोई ऐसी दवाई मिलाई गई है कि जिन बच्चों को ये दे दिया जाएगा वो जिंदगी भर माँ बाप नहीं बन सकेंगे। ये मुस्लिम समाज को समूल नाश करने के लिए, पूरा खत्म कर देने के लिए पश्चिम की एक साजिश है। ऐसी वहाँ पर अफवाह कट्टरपंथियों ने फैलाई हुई है लंबे समय से। आपको बतलाऊं, मैं जब कोरोना फैला हुआ था उस वक्त भी वहाँ बहुत से लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन वाला टीका लगवाने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि इसमें भी ऐसी दवाई वहाँ से भेजी गई है कि लोगों के माँ बाप बनने की क्षमता खत्म हो जाएगी इससे। टीकों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल बने रहता है जिसमें केवल धर्मांधता, केवल आतंकी लोग नहीं है, और लोग भी हैं। विज्ञान की समझ रखने वाले भी कई ऐसे लोग हैं जो टीकों के खिलाफ एक माहौल बनाते रहते हैं कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, उससे होने वाली बीमारी, टीका न लगाने से होने वाली बीमारी से ज़्यादा बड़ी रहती है। ये एक एंटी वैक्सीन लॉबी है, हिंदुस्तान में भी है। मेरे भी कुछ परिचित लोग हैं सोशल मीडिया पर जो वैसे तो बहुत समझदारी की बातें लिखते हैं, लेकिन एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाइए, वैक्सीन नहीं लगवाइए, उन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन। आपको ध्यान होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी था, उसने फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलिया के किसी एक मैच में खेलने के लिए पहुंचा, उसको कहा गया एयरपोर्ट पर, आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, आपको भीतर आने नहीं दिया जाएगा। उसने वैक्सीन नहीं लगाई, वापस चले गया अपने देश, नहीं खेला मैच उसने। कई लोग कट्टर रहते हैं, केवल धर्मांध कट्टर नहीं रहते, कट्टर रहते हैं। बिना धर्मांध हुए भी कुछ लोग कट्टर हो सकते हैं। तो मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दो जगहों पर जो जाहिल सोच काम कर रही है धर्मांध कट्टर लोगों की, जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं देने दे रही है, उनके सामने एक खतरा खड़ा कर रही है अपने देश में। ये दोनों ही देश ऐसे हैं दुनिया में जिसमें पोलियो आज तक खत्म नहीं हो सका। इसी वजह से जो एंटी वैक्सीन लोग हैं यहाँ के, जो ये मानकर चलते हैं कि इन दवाओं में, पोलियो ड्रॉप्स की दो बूंदों में लोगों को नपुंसक बना देने की, माँ बाप न बनने की ऐसी दवाई उसमें डाल के भेजी जा रही है, ये मानकर चलते हैं लोग। क्या कहा जाए, जब धर्म सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो लोग इस तरह के जाहिल हो जाते हैं। इन्होंने टीका लगवाने से अपने बच्चों को मना कर दिया, और पोलियो का टीका 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जाता है, ऐसा मेरा अंदाज है, इतनी याद है मुझको। इन बच्चों को अगर टीका नहीं लगेगा तो पोलियो पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं होगा, अफगानिस्तान में कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ से निकलकर दूसरी जगहों पर भी पहुँच सकता है, दूसरे देशों में भी पहुँच सकता है। ये खतरनाक नौबत है। मैं बतलाऊँ आपको, धर्मांधता लोगों से क्या क्या नहीं करवाती है। दुनिया के दूसरे देशों में भी धर्मांधता कई तरह की चीज़ें करवा रही है, लेकिन मैं अभी दूसरे देशों की धर्मांधता के दूसरे पहलुओं पर जानना नहीं चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ केवल इन दो देशों के ऊपर ये किस तरह अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये बीमारी अगर फैलती चली जाएगी वहाँ पर, कभी ख़त्म नहीं होगी, इतनी फैल जाएगी। और ये इतने जाहिल हैं ये तालिबान
ये अपनी खुद की महिलाओं और लड़कियों को घरों में कैद करके मान रहे हैं कि ये अपने मजहब को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी मजहब, इसी इस्लाम को मानने वाले दुनिया के दर्जनों दूसरे मुस्लिम देश हैं जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, हर हर दायरे में जिंदगी के जाकर काम कर रही हैं। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। बहुत सारे दूसरे देश हैं, मुस्लिम देश दर्जनों हैं, जहाँ पर महिलाओं को हर तरह की आज़ादी है। ये बहुत ही जाहिल सोच है ये तालिबानों की, जो अपने धर्म के नाम पर महिलाओं को कुचल रहे हैं। और यही धर्म दूसरे देशों में महिलाओं को हक दे रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो मैं आज आपके सामने केवल इतनी बात रखने के लिए आया हूँ कि जिनकी धर्मांधता रहती है वो कई तरह से सामने आती है। लोगों को धर्म को अपनी आस्था का केंद्र बनाकर रखें, निजी आस्था का, अपने घर पे पूजा पाठ करें, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाकर पूजा पाठ कर लें। लेकिन जब शासन व्यवस्था पर धर्म हावी हो जाता है, जहां धर्म के नाम पर पाकिस्तान की तरह आतंक होने लगता है, मिलिटेंट्स टेररिस्ट ये सब धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वहां पर अहमदिया मुसलमानों को मार रहे हैं, आप देखिए उनको दूसरे लोग नहीं लग रहे हैं मारने के लिए, मुस्लिम समाज के भीतर अहमदिया को वो मुस्लिम नहीं मानते हैं, उनको मार रहे हैं। ये ऐसा ही होता है, धर्म जब हिंसक होता है और उसको आप अपने सिर पे सवार होने देते हो तो वो धीरे धीरे, जब दूसरे दुश्मन नहीं मिलते तो घर के लोगों के भीतर दुश्मन छांट लेता है और उनको मारने लगता है। ये दो जाहिल देश जहाँ के जो जाहिल लोग हैं, ये अपने ही बच्चों को अपना दुश्मन मानकर चल रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि दुनिया, WHO जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में वैक्सीन बनवाता है कई तरह की, हर देश जो है मुसलमानों को इलिमिनेट करने के लिए काम कर रहा है, और जितने मुस्लिम देश हैं बाकी के सब में वैक्सीन लग रहे हैं, सब तरह के, कहीं बच्चे पैदा होना बंद नहीं हुए हैं। लेकिन मैं बात खत्म करूं इसके पहले, चलते चलते एक घटना आपको बतलाना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इस सोच को मजबूत किया है, टीके के खिलाफ सोच को मजबूत किया है। हुआ ये था, बराक ओबामा अमरीकी राष्ट्रपति थे और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों पर हवाई जहाज घुसाकर उनको ख़त्म करने का, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन लापता था, कहीं मिल नहीं रहा था, फरार था, कोई तरीका नहीं था। अमरीकी फौज, CIA, अमरीकी जासूस अपने दुनिया के दूसरे लोगों के साथ मिलकर पैसा देकर, बहुत मोटी रकम का इनाम रखा गया था ओसामा बिन लादेन की खबर देने वाले को, इतनी बड़ी घोषित और अघोषित रकम की, कोई एक छोटा मोटा राजा ही बन जाए इतना पैसा मिलने वाला था। कहीं से खबर नहीं लग रही थी ओसामा बिन लादेन की, जो जाहिर तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट माना जा रहा था। उस वक्त अमरीकी जासूसों को कहीं से खबर लगी कि पाकिस्तान में एक शहर में एक ऐसा मकान है, अलग थलग बना हुआ मकान है जिसको किले तरह की ऊंची दीवारों से घेर दिया गया है, न कोई वहाँ से बाहर आते हैं न जाते हैं, कभी कभी एक गाड़ी निकलती है सब्जी अब्जी कुछ सामान अनाज किचन का दूसरा सामान लेकर वापस चली जाती है, कोई नहीं निकलते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, वहाँ से कोई टेलीफोन नहीं होता है, वहाँ से कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता है। आप समझ लीजिए, जो जासूस रहते हैं कचरे में भी देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। ओसामा बिन लादेन का DNA था अमरीका के पास में, कहीं से मिला हुआ। तो अमरीका ने क्या किया, जब उस मकान के ऊपर नज़र पड़ गई तो पाकिस्तान की सरकार को नहीं बताया, वहाँ पर टीकाकरण करने वाली एक टीम को भेजा गया कि आपके घर में बच्चे हैं क्या, उनका टीकाकरण करना है। तो ओसामा बिन लादेन जिस घर में अपने कुनबे के साथ रह रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान सरकार की टीकाकरण टीम वहाँ पहुँची और कहा टीकाकरण करना है, और बच्चों का टीकाकरण करने के नाम पर छोटे बच्चे को एक ऐसा टीका लगाया गया, उस सिरिंज को, इंजेक्शन से लगाया था, उस सिरिंज को निकाल कर
अपने बक्से में रखकर टीम वापस आ गई। तो जब किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके खून का कुछ हिस्सा उस सुई में बाहर आ जाता है। तो अमरीकी जासूसों ने उसको मैच करके देखा, उस बच्चे के बदन का खून जो है उसमें जो डीएनए था, उस डीएनए को ओसामा का पहले से जो डीएनए था अमरीकी सरकार के पास, उससे मैच करके देखा और वो मिल गया, डीएनए मैच कर गया। तो वो मान कर चल रहे थे कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन है। फिर अमरीका ने एक फौजी हमला तय किया हेलीकॉप्टरों में, पास के देश से अफगानिस्तान उस समय अमरीका के कब्जे में था, उसी अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़े थे, उड़ के पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की सरकार को नहीं बताया गया था। इस मकान में उतरे, बगल में उतरे, भीतर उतरे, दो तीन हेलीकॉप्टर थे और फौजी कार्रवाई में उस घर में घुस के जो जो मिले उनको सबको मारते चले गए, महिलाओं को शायद छोड़ दिया था। उसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया, ऐसा अमरीका का दावा था। उन्होंने ओसामा, जिसको वो मानते हैं, उसकी डेड बॉडी से फिर उसका डीएनए मैच करके देख लिया था और फिर घोषित किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अमेरिका में व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में, बराक ओबामा अपनी टीम के साथ बैठकर इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, जो इनकी फौजी टीम जो है उसके कैमरों से जो जा रहा था उसको देख रहे थे। तो टीकाकरण को की विश्वसनीयता को अमेरिका ने एक धक्का पहुंचाया था ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए पाकिस्तान में। इस तरह से मैंने उस वक्त अखबार में एडिटोरियल लिखा था कि आप किसी भी फौजी मकसद से, जासूसी मकसद से, एम्बुलेंस, डॉक्टर, टीकाकरण जैसे कार्यक्रम इनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये युद्ध अपराध के दर्जे में आता है। अगर आप फौजी कार्रवाई के लिए टीकाकरण, एम्बुलेंस, डॉक्टर, कंपाउंडर इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये युद्ध अपराध के दर्जे में आता है। खैर, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लठैत है, उसके ऊपर कोई क्या बोल सकता है। तो ये एक घटना थी जिससे पाकिस्तान में टीकाकरण कार्यक्रम से अमेरिका का रिश्ता और ज़्यादा खबरों में आया, अफवाहों में आया था। अभी तक पाकिस्तान की जनता उन अफवाहों से उबर नहीं पाई है। यही वजह है कि वहाँ पे आतंकी उग्रवादी, इन्होंने इस साल अभी तक 16 सितंबर, ये कल की बात है, कल तक 17 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गोली मार दी है। सोच के देखिएगा, आपका धर्म आपको क्या बना देता है कि आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाना जो है वो भी नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये साजिश है। सोच के देखिएगा कि आप अपने धर्म को आपके दिमाग पर कितना हावी होने देते हैं। क्या आपने उसको आस्था के सामान तक सीमित रखा है, या आपके कारोबार के फैसले, राजनीति के फैसले, आपकी सेहत के फैसले भी आपका धर्म ही तय करता है। सोच के देखिएगा, मुझको इस पे कुछ नहीं कहना है। हिंदुस्तान में 100% लोग पोलियो का टीका लगवाते हैं जो बच्चे रहते हैं अपने बच्चों को। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुस्लिमों के बीच में ऐसी अफवाह एक बार फैली थी, लेकिन उसको सुलझा लिया गया था, इसलिए हिंदुस्तान पोलियो से मुक्त है, एक किस्म से रिकॉर्ड में नहीं है कोई। आप कभी भी संक्रामक रोग जो हैं उनके ऊपर अपनी आस्था को हावी मत होने दीजिएगा। बस इतना ही कहने के लिए मैं हूँ। मेरा ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको एक मैसेज मिल जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। यहाँ भी कई किस्म की धर्मांधता है हिंदुस्तान में। पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी वैज्ञानिक समझ जिंदा रखना चाहिए, इसलिए दोस्तों को भेजिएगा कि जहाँ पर वैज्ञानिक समझ जिंदा नहीं रहती है वहाँ पोलियो जिंदा रहता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये जितना पसंद है उससे ज़्यादा कैंसर को इनको खाने पीने वाले लोग पसंद हैं आपकी तरह के, अगर आप ये नशा करते हैं तो। बंद कर दीजिए इसको, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए।
अपने परिवार के ऊपर अपने कैंसर के इलाज का बोझ मत डालिए। बेवक्त आपकी अर्थी हो या जनाजा हो, जो भी हो, बेवक्त उसका बोझ अपने परिवार के, अपने दोस्तों के कंधों पर मत डालिए। फिर मिलेंगे।